हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आपको पता है पिछले दो वीडियोस में ऑलरेडी हमने एमए साइकोलॉजी की दो क्लासेज आपकी ली हुई हैं एंड यह हमारा तीसरा लेक्चर है एमए की साइकोलॉजी पर। एंड पिछली दो वीडियोस में हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जो कि आपके पेपर वन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जिसमें हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है इसके बारे में पढ़ा हुआ था। सेकंड में हमने रिसर्च मेथड के बारे में बात किया हुआ था कि साइकोलॉजी में रिसर्च मेथड क्या होते हैं, कैसे होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, यानी कि अगर एक रिसर्चर है या एक साइकोलॉजिस्ट है जो किसी चीज पर रिसर्च कर रहा है, किसी चीज के बारे में थ्योरी देने वाला है, तो उसको वो थ्योरी देने से पहले कौन कौन से वो डोमेन है जिन डोमेन पर उसको रिसर्च करना पड़ेगा, और उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी लेने के बाद जो कोई चीज जब उस डोमेन्स पर आधारित होगी या उन डोमेन से रिलेटेड होगी तो उसके आधार पर एक थ्योरी डेवलप की जा सकती है। एंड बेसिकली इसमें कुल 12 डोमेन आपके होते हैं, 12 डोमेन्स। इन डोमेन्स को जानना, उसके बारे में अच्छे तरीके से समझना हमारी इंपॉर्टेंस है, बहुत जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डोमेन्स के बारे में दिखा देता हूं कौन कौन से डोमेन्स है। तो उसमें पहला डोमेन आता है आपका कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, सेकंड आता है आपका परसेप्शन, थर्ड है आपका थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, फोर्थ है आपका अटेंशन, फिफ्थ है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, सिक्स्थ है आपका कॉन्शियसनेस, सेवंथ है आपका मेमोरी, एट्थ है आपका इमर्सी, एट्थ है आपका लैंग्वेज, नाइन्थ है आपका टेंथ है आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इलेवंथ है आपका पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन एंड ट्वेल्थ है आपका ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इन 12 के बारे में हमें अच्छे तरीके से समझना है, तो आगे की वीडियोस में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। एक एक टॉपिक का पूरा आपको आज ही की वीडियो में सब कुछ मिलने वाला है, तो एक एक टॉपिक हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको लगता है ये आपके लिए वैल्यूएबल होने वाला है तो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस मींस क्या होता है कि किसी भी चीज के बारे में, एक व्यक्ति के बिहेवियर को अगर समझना है तो उसके बिहेवियर को दो तरीके से समझा जा सकता है। एक, उसका जो बाहर से जो बिहेवियर उसका दिख रहा है, जो आउटसाइड है, मतलब जिसको आप कह सकते हो एक्सटर्नल जो शो कर रहा है, उसके आधार पर किसी के बिहेवियर को समझना या किसी की सोच को समझना या किसी की लाइफ को समझना। एंड सेकंड होता है इंटरनली, कि व्यक्ति के अंदर से क्या चीज़ें फीलिंग के तौर पर, थिंकिंग के तौर पर, ब्रेन में उसके कौन कौन सा केमिकल रिलीज हो रहा है, क्या क्या चीज़ें उसके माइंड में हो रहा है, ये सभी जानना एक दूसरी चीज है। तो जब एक साइकोलॉजिस्ट और एक न्यूरोलॉजिस्ट ये दोनों ही मिल करके एक रिसर्च को पूरा करते हैं, साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, वो व्यक्ति के बाहर के जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करता है और उसके बिहेवियर के आधार पर कुछ चीजें फैक्ट रखता है। एंड न्यूरोलॉजिस्ट क्या करेगा, वो मनुष्य के माइंड में क्या चीजें चल रही हैं, क्या केमिकल रिलीज हो रहा है, उन सभी चीजों के बारे में, फिजिकल रूप से क्या चीजें कैसे कैसे काम कर रही हैं उसके बारे में वो डिटेल अध्ययन करता है या डिटेल चीजें बताएगा, और उसके आधार पर जो एक थ्योरी सामने आएगी या जो चीजें डेवलप किया जाएगा, जो रिसर्च आएगा, वो ज्यादा एक्यूरेट होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें माइंड के एक एक टॉपिक को क्लियर कर लिया गया न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा, बाहर के बिहेवियर या उसकी सोच समझ के बारे में जो है साइकोलॉजिस्ट ने बता दिया, और इसके आधार पर एक रिसर्च आएगा और उस रिसर्च को कहेंगे क्या, न्यूरोसाइंस, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, जिसमें साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट दोनों मिलकर एक रिसर्च को प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, एंड सेकंड आता है आपका परसेप्शन। परसेप्शन मीन्स होता है कि हम एक चीज को, एक इंफॉर्मेशन को किस तरह से परसीव कर रहे हैं, अपने अंदर किस तरह से उसको जाने दे रहे हैं, ये कहलाता है आपका परसेप्शन। बेसिकली आप जो भी चीजें अपने अंदर परसीव करते हो वो अपने पांचों सेंसेस के थ्रू करते हो, एंड इसके बाद आता है आपके अंदर की मेमोरी, उसकी कॉन्शियसनेस, वो अलग चीज है, लेकिन हम पांच सेंसेस के थ्रू अपने अंदर चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। वो पांचों हमारे सेंसेस होते हैं जो आप कह सकते हो विजुअल जो है परसेप्शन, हियरिंग परसेप्शन, टच परसेप्शन, स्मेल परसेप्शन और टेस्ट परसेप्शन, यानी कि जो हम कह सकते हैं ना आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, इन्हीं के माध्यम से हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर पाते हैं या किसी भी चीज के बारे में अवेयर हो पाते हैं। तो इनके, इन चीजों के माध्यम से, इन चीजों के माध्यम से कुछ चीजें हमने देखा और उसको देख करके हमने क्या अपने अंदर परसीव किया, क्या हम अपने अंदर सोच रहे हैं या अपने अंदर समझ रहे हैं, क्या किस तरह से उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, ये हो जाता है विजुअल परसेप्शन। हियरिंग परसेप्शन यानी कि हम कोई चीज सुन रहे हैं और वो सुन करके हमारे अंदर क्या ट्रिगर हो रहा है या उसको हम क्या कैसे परसीव कर रहे हैं, वो हियरिंग परसेप्शन। किसी चीज को टच करके हमको क्या परसीव हो रहा है, वो टच परसेप्शन हो गया। स्मेल परसेप्शन में क्या हो सकता है, आपने किसी चीज को सूंघा, कुछ आपके अंदर आया, कुछ सुगंध आपने लिया या दुर्गंध आपके अंदर आया, आप उसको सूंघ करके क्या सोच रहे हो, मतलब उससे आप किस चीज को रिलेट कर रहे हो कैसे कैसे, वो कहलाएगा स्मेल परसेप्शन। टेस्ट परसेप्शन, किसी चीज के बारे में टेस्ट को अलग करना, समझना, बूझना, ये कहलाएगा आपका टेस्ट परसेप्शन। तो ये सारे परसेप्शन के आधार पर ये सारी चीजें आपके लिए अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई गाना सुना, कोई बाहर गाना बजा रहा है कोई, और उस गाने को सुनकर के आप क्या सोचोगे, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कहां से रिलेट कर रहे हो। हो सकता है कोई ऐसा गाना बजा रहा है जो आपको लगे यार ये तो पहली बार जब हम मिले थे तब उन्हें सुना हुआ था,
वो गाना है, शायद ये वो गाना है जो मेरे दोस्त ने अपने बर्थडे पार्टी में चलाया हुआ था, तो वो आपके माइंड में चलेगा। हो सकता है वही गाना किसी ने किसी और ओकेशन पर चलाया हो, या वही गाना लेकर के किसी को बहुत गलत हो कि उस वो गाना चल रहा था तो उसके साथ बहुत गलत हुआ था। तो चीज़ें मतलब व्यक्ति किस तरह से प्रसीव करेगा वो अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि पांच सेंसेस के थ्रू क्या किया जा सकता है, प्रसीव किया जा सकता है। अगर मैं इसके जो है डेफिनेशन की बात करूं कि व्हाट इज द परसेप्शन, तो परसेप्शन के बारे में बात करें तो परसेप्शन इज द एबिलिटी टू कैप्चर प्रोसेस एंड एक्टिवली मेक सेंसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट आवर सेंसेस रिसीव, यानी कि हमारी सेंसेस जिस तरह से रिसीव करती हैं उसको किस तरह से कैप्चर करना, किस तरह से उसको प्रसीव करना, वही कहलाता है आपका प्रसीविंग। तो सेकंड, आई होप आपको समझ में आया होगा परसेप्शन क्या है। इसके बाद आओ थर्ड नंबर टॉपिक देखते हैं, क्या है थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। अब देखो थिंकिंग जो है ये कोर पॉइंट है साइकोलॉजी का, क्योंकि थिंकिंग के बारे में जानने के लिए साइकोलॉजिस्ट उतावले रहते हैं कि मनुष्य किस तरह से सोचता है, उसके सोचने की क्षमता किस तरह से, कौन से चीज को लेकर के वो किस तरह से सोच करके क्या बिहेव करता है, यह सबसे मेन कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी का, कोर कह सकते हो आप इसको। एंड उस कुछ कोई भी चीज सोच करके, कोई भी चीज देख करके, चाहे वो विजुअल्स, हियरिंग, टेक, कुछ भी चीज हो, उसको लेकर के वो किस तरह से कौन सा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करता है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट बनाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि कौन से चीज को लेकर के व्यक्ति किस तरह से क्या कॉन्सेप्ट अपना क्रिएट कर रहा है और उसकी थिंकिंग उसमें किस तरह से हेल्प कर रही है। तो ये कहलाता है आपका थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक है आपका, जो अगला डोमेन है वो है अटेंशन। अटेंशन मतलब किसी भी चीज पर आपका फोकस करना, जैसे कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, तो कुछ चीजें होती हैं जो हाईलाइटेड होती है ना, उस पर आपका फोकस ज्यादा जाता है। फॉर एग्जांपल यहां पर हमने चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन इस ये सारी चीजें लिखी हुई थी, अब इस चीज को हमने जब ये गोला लगा दिया, अब कोई व्यक्ति देखेगा तो ये ज्यादा हाईलाइट करेगा, ये फिर लगा हुआ है, आप देख सकते हो, ये क्या करेगा, आपका अटेंशन इस टाइम को खींचेगा कि हाँ मेन टॉपिक इसका क्या है, डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो जो क्या करता है, आपका अटेंशन प्रसीव करता है, खींचता है, वो कहलाता है आपका अटेंशन, मतलब आपका ध्यान यहाँ पर केंद्रित हो। एंड इसमें तीन टॉपिक्स आते हैं कि मतलब हमारा जो अटेंशन है, हमारा जो ध्यान है, वो तीन तरीके से काम करता है। सबसे पहला चीज आता है इसमें आपका लिमिटेड, मतलब कि हमारा जो अटेंशन है वो लिमिटेड है, यानी कि एक टाइम पर एक ही जगह पर जा सकता है, यानी कि कुछ चीजें हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका जो अटेंशन जाएगा। एक टाइम पर अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका अटेंशन पढ़ाई में होना चाहिए, अदरवाइज आप दूसरी चीज अगर आप करने लगे तो दोनों आपका डिस्टर्ब हो जाएगा और कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अटेंशन क्या है, लिमिटेड है, वो हर जगह हर समय अवेलेबल नहीं है। सेकेंड है आपका सिलेक्टिव है, यानी कि जो आपका अटेंशन है वो क्या है, सिलेक्टिव है, यानी कि कुछ ही चीजों पर आपका अटेंशन जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसका बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर आपको कोई गाड़ी लेनी है और आपने सोचा है कि ये गाड़ी लेना है, फिर आप रोड पर निकलते हो ना, तो आपका सारा ध्यान गाड़ी पर रहता है कि ये गाड़ी जो मैं लेने वाला हूँ कितने लोग लेकर के चल रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार अगर आपको कोई फोन लेना है, आप देखोगे आपको हर जगह उस तरह के फोन लेने वाले लोग दिखाई देने लगेंगे। तो हमारा माइंड क्या होता है, सिलेक्टिव की तरह से काम करता है हमारा अटेंशन, कि कौन सी चीज आपने सिलेक्ट कर लिया वही चीज आपको चारों तरफ दिखने लग जाती है, क्योंकि आपका माइंड ने उस चीज को अटेंशन दे दिया। एंड थर्ड है आपका इज ए बेसिक पार्ट ऑफ कॉग्निटिव सिस्टम, यानी कि जो अटेंशन है वो हमारी कॉग्निटिव सिस्टम, जो हमारा संज्ञानात्मक जो रवैया है, प्रकरण है, उसका बहुत बेसिक सा चीज है कि कॉन्सेप्ट इसी तरह से काम करेगा कि हमारा अटेंशन एक टाइम पर एक ही जगह पर रहेगा। होता है ना कई बार हम क्लास में भी बैठे होते हैं, टीचर हमें पढ़ा रही है, फिर भी हमें बोर लग रहा होता है, और उस टाइम पर हमारा अटेंशन वहां उस क्लास में नहीं होता है, हमारी बॉडी तो क्लास में होती है लेकिन हमारा अटेंशन नहीं होता है, हम किसी और ही दुनिया में खोए हुए रहते हैं। ओके, एंड इसके बाद आओ अगला डोमेन इसका टच करते हैं। अगला डोमेन है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज यानी कि कोई नॉलेज है, कुछ चीजें आपने देखा, कुछ चीजें आपने सुना, कुछ आपके अंदर इंफॉर्मेशन आई, आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये कहलाता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, कि आप उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो। एंड इसमें दो जो है एस्पेक्ट काम करते हैं, आप इनको दो एस्पेक्ट के माध्यम से समझ सकते हो, जिसमें पहला एस्पेक्ट आपका कह रहा है कि पहला एस्पेक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन इन द माइंड, यानी कि किसी भी चीज को लेकर के आपके माइंड में क्या रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन आया, अब उसको आपके माइंड ने किस तरह से प्रसीव किया, ये चीज क्या हो सकती है, हर किसी की अलग अलग हो सकती है, सेम चीज होगा और उसमें लोगों का जो प्रसीव करने का तरीका होगा वो अलग अलग हो सकता है। तो जो कह सकते हैं ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, वो अलग अलग हो सकता है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक कोरोना आया, अब कोरोना को लेकर के कुछ लोगों के दिमाग में आई, यार ये तो बहुत भयानक सी बीमारी है, इस बीमारी ने पूरी तरह से तबाह कर दिया, हमारे बिजनेसेस खराब करके रखती है। दूसरी तरह से इसी चीज को कोरोना को ही कुछ लोगों ने कहा कि यार इसके आने से लॉकडाउन हो गया, जिससे कि पॉल्यूशन खत्म हो गया, पॉल्यूशन बहुत कम हो गया। थर्ड लिया जा सकता है कि कोरोना में सीख दे करके गया है कि हमें अपने बुरे समय के लिए, किसी भी समय के लिए पैसे अपने सेव करके रखने चाहिए, जिससे कि हमें हमारे पास अगर लाइफ में इस तरह की सिचुएशन आ रही है तो हम उसको झेल सके। तो हर किसी का अपना अपना उसको लेने का तरीका
अलग हो सकता है। एंड सेकेंड जो आपका एस्पेक्ट है वो एस्पेक्ट कह रहा है कि द वे ब्रेन स्टोर्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन दैट इज द सेम, यानी कि जिस तरीके से आपका ब्रेन प्रोसेस करता है, जिस तरह से मतलब आपके ब्रेन में कोई चीज प्रोसेस होती है या वो स्टोर होती है वो सेम रहता है। आपके माइंड में ने किस तरह से स्टोर किया, दूसरे के माइंड में किस तरह से स्टोर होता है, दैट इज द सेम प्रोसेस। वो आपके माइंड का फंक्शन है, वो उसी तरह से काम करेगा। आप उसको लेते कैसे हो वो अलग चीज है, लेकिन जो स्टोरेज का काम है या कहीं पर मतलब आपके माइंड में स्टोर होना ना चीजें, वो जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस एकदम सेम टू सेम सभी के लिए काम कर रहा होगा। तो इस तरह से दो एस्पेक्ट होते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज के। एंड नाउ इसके बाद बात करते हैं अगला जो डोमेन है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब चेतन, जब आप पूरी तरह से होशो हवास में होते हो चीजों को, कि किसी चीज को लेकर के आप कॉन्शियस होते हैं, किसी चीज को लेकर के आप कॉन्शियस नहीं होते हैं, क्योंकि जिस चीज का आप अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देते हैं, जिस चीज को अपनी लाइफ में वैल्यू देते हैं, आप उसके प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं। एंड कभी कभी क्या होता है, शराबी है, उसने शराब पी लिया, तो वो अपना कॉन्शियसनेस क्या कर चुका है, खो चुका है, उसको कहते हैं अनकॉन्शियस, उसको कहते हैं क्या, अनकॉन्शियस। और एक होता है आपका सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस में क्या होता है कि जैसे कुछ चीजें हैं जो हमारे अंदर दबी हुई हैं, हमारी कुछ इच्छाएं, हमारी कुछ सोच, हमारा कुछ चाहत है, हम कुछ चाहते हैं, वो चीजें हमारे अंदर दबी हुई है, वो सपनों के माध्यम से हमारे अंदर आती है, हमारे विजुलाइजेशन में आती है, तो वो कहलाएगा आपका सबकॉन्शियस, जिसके बारे में शायद आपको भी नहीं पता होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ इच्छाएं, कुछ चीजें दब जाती हैं आपके अंदर और वो बाहर आती हैं, तो वही कहलाता है आपका सबकॉन्शियस। तो ये भी हमारे माइंड का जो है एक डोमेन है, जिसको समझने के लिए, समझना एक रिसर्चर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं मेमोरी। मेमोरी आपको पता ही है कि मेमोरी में क्या होता है, चीजें स्टोर होती हैं, कैसे आपका माइंड किसी चीज को देखता है, कैसे प्रसीव करता है, और प्रसीव करने के बाद वो आपके माइंड में स्टोरेज का काम कहां पर होता है, मेमोरी में। मेमोरी आपकी स्टोर रखती है। मेमोरी भी दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म वाला भी शॉर्ट टर्म में हो जाता है कभी कभी कन्वर्टेशन। कुछ चीजें हमें याद भी करनी है लेकिन वो शॉर्ट टर्म हमारे माइंड में रहता है, फिर चीजें चली जाती है। और कुछ होता है आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है लेकिन आप उसको रिकॉल 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 करके आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में भी चेंज कर सकते हो। तो इसको समझना कि आपका मेमोरी किस तरह से काम करता है, किस तरह से स्टोरेज प्रोसेस काम करता है, किस तरह से आपके माइंड में चीजें स्टोर होती हैं, वो कहलाएगा आपका मेमोरी। ओके, अगला है आपका इमेजरी। इमेजरी भी हमारे माइंड का जो उसको समझने के लिए, या माइंड में किस तरह से चीजें इंफॉर्मेशन प्रसीव करता है हमारा माइंड, उसको समझने की एक ब्रांच है। और ये एक नई ब्रांच है, नया चीजें हैं, अभी नई नई है, लेकिन इस पर भी कई सारे रिसर्चेज ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन अभी जो है साइकोलॉजी के बिहेवियर से देखा जाए तो ये नया ब्रांच है। यानी कि इसमें क्या कहा जाता है, पहले इस बारे में बात उतना नहीं होता था, लेकिन जब आप धीरे धीरे साइकोलॉजी डेवलप करना स्टार्ट हुआ तो कहा गया इमेजरी भी एक चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाती है एक मनुष्य के लाइफ में, कि हम चीजों को ना इमेज के रूप में ज्यादा याद रखते हैं। कोई कॉन्सेप्ट ही अगर आपको याद रखना है, वो चीज अगर आप वो कॉन्सेप्ट आपने इमेज के रूप में पढ़ लिया है, तो वो चीजें आपको याद रहने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी ने पूछा कि वहां का एड्रेस क्या है, तो शायद आप उस जगह का नाम ना बता करके कि यहां ये जगह पर ये लिखा हुआ था वो बताओगे, नहीं, आप कहोगे कि उस बिल्डिंग के पास वो था, या वहां रास्ता लेफ्ट साइड में, वहां पहुंचने के बाद लेफ्ट साइड में रोड मुड़ा हुआ है, रोड से आप राइट लोगे तो एक बड़ी बिल्डिंग दिखेगी, उस बिल्डिंग के जस्ट सामने आपको जाना है। तो मतलब आप चीजों को जो बता रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में पूरी इमेज चल रही होती है कि कैसे कहां पर गए, फिर कहां से मुड़ना है, कहां से आगे बढ़ना है। तो ये कहलाता है सिस्टम आपका इमेजरी सिस्टम, यानी कि इमेज के माध्यम से इंफॉर्मेशन को याद रखना, इमेज के माध्यम से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, बताना, सिखाना, या इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करना, वो कहलाता है आपका इमेजरी। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपके कोई भी क्वेश्चन है जो है आपको दिख रहा है, कमेंट बॉक्स आपके लिए भरा पड़ा है, आप जाओ कमेंट्स करो, आपके कमेंट्स का डेफिनेटली आपको जवाब मिलेंगे। अगली चीज है इसमें आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लैंग्वेज में क्या आता है, आपकी रीडिंग भी आती है, आपकी रिमेंबरिंग भी आती है, आपकी स्पीकिंग भी आती है। लैंग्वेज में चीजों को समझना, अंडरस्टैंड करना, ये सारी चीजें जो है कॉम्प्लेक्स में आती है, क्योंकि मनुष्य जो है विदाउट लैंग्वेज आप सोच भी कैसे सकते हो। किसी चीज के बारे में भी अगर आपको सोचना है तो कुछ ना कुछ तो आपको लैंग्वेज चाहिए, और ये लैंग्वेज ही मनुष्य को जो है जानवरों से अलग करता है, मनुष्य के माइंड को जानवरों से अलग करता है। जानवर जो है माइंड या कम्युनिकेशन कर भी पाते होंगे शायद अपने में, उसके बारे में हमें पता भी नहीं है, लेकिन मनुष्य जो है इस लैंग्वेज का यूज करके जानवरों से भी बात कर सकता है। मनुष्य इस लैंग्वेज का यूज करके मनुष्य के बारे में भी समझ सकता है, चीजों के बारे में भी समझ सकता है, इंफॉर्मेशन के बारे में भी समझ सकता है। इसको लेकर के बहुत सारे कॉन्ट्रोडिक्टरी भी हैं। कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि लैंग्वेज का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। अगर लैंग्वेज हटा भी दिया जाए तो भी हमारी लाइफ चलती रहेगी, हम चीजों को समझ पा रहे होंगे। लेकिन मैक्सिमम जो विद्वान है उनका मानना है कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लैंग्वेज के बिना हम सोच भी नहीं सकते। तो ये सारी थ्योरीज हैं लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेज भी काफी महत्वपूर्ण रोल निभाता है एक चीज को, डोमेन को समझने के लिए। ओके, इसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की।
डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होता है कि एक व्यक्ति के डेवलपमेंट पे, एक बच्चा जन्म ले रहा है उसके डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अगर इसके डेफिनेशन की बात किया जाए कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज ए साइंटिफिक अप्रोच व्हिच एम्स टू एक्सप्लेन ग्रोथ चेंज एंड कॉन्शियसनेस थ्रू लाइफ स्पैन। सेकेंड बात किया जाए तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी लुक्स एट हाउ थिंकिंग फीलिंग एंड बिहेवियर चेंज थ्रू आउट पर्सन्स लाइफ। यानी कि क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति के लाइफ में कैसे कैसे क्या चेंजेज हो रहा है, उस सभी चेंजेज को ऑब्जर्व करना, उसके बारे में प्रिसेप्शन करना, उसके बारे में चीज़ों को समझना, उसके बारे में थ्योरीज बताना, ये कहलाता है आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी व्यक्ति के लाइफ से 7 स्टेजेस से होकर के गुजरता है, उसके जन्म से लेकर के डेथ तक वो 7 स्टेजेज होते हैं, जिन स्टेजेज के थ्रू एक एक टाइम पीरियड पर व्यक्ति को समझा जा सकता है, उसके बिहेवियर को समझा जा सकता है। वो 7 स्टेजेज कौन कौन से हैं, इसमें पहला है आपका इन्फेंसी, सेकंड है आपका अर्ली चाइल्डहुड, थर्ड है आपका मिडिल चाइल्डहुड, फोर्थ है आपका एडोलसेंस, फिफ्थ है आपका अर्ली एडल्टहुड, सिक्स्थ है आपका मिडिल एडल्टहुड एंड सेवन्थ है आपका ओल्ड एज। तो इस तरह से एक मनुष्य के जीवन के ये 7 पैमाने हो गए जिसके आधार पर मनुष्य के जीवन को समझा जाता है। तो ये एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में क्या करते हैं कि मनुष्य का डेवलपमेंट कैसे कैसे हो रहा है, उसमें फिजिकल, उसके इमोशनल, उसकी थिंकिंग, उसकी मेमोरी, उसका माइंड में किस तरह से कहां कहां किस लेवल पर कब क्या चेंजेज हो रहे हैं, कैसा उसका बिहेवियर हो रहा है, इस चीज के बारे में जानते हैं हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के माध्यम से। एंड इसके बाद आओ देखते हैं अगला है आपका पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है, यानी कि ये कहने का अर्थ है इसमें कि एक पैटर्न हमारे माइंड का बन जाता है और इस पैटर्न के माध्यम से हमारा माइंड किसी चीज को परसीव कर लेता है, उसके बारे में सोच लेता है, उसके बारे में विजनरी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जैसे कि आपके सामने ये इमेज दिख रहा है, इस इमेज में कुछ चीजें लिखी हुई है, अगर इसके सामने मैं 12 लिख दे रहा हूं तो आप समझ जाओगे कि ये 12 है, 13 है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 14। तो आपने इस तरह से इसको परसीव कर लिया। लेकिन अगर इसी इमेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए और 12 की जगह पर मैं लिख दूं ए, तो आप इसको बी समझ करके बोलोगे इसके बाद सी आना चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड एक तरह से परसीव कर रहा होता है, एक तरह से उसके बारे में सोच रहा होता है, एक पैटर्न सा बन चुका होता है। और ये पैटर्न कहीं ना कहीं हमारे माइंड में पहले से स्टोर्ड होता है, जब हमारे माइंड में पहले से हमने उस चीज के बारे में नॉलेज रखी होती है, हमें पता होता है, और उसी के आधार पर हम एक पैटर्न ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी चीज को एक पैटर्न के रूप में समझना, और ये जो पैटर्न होता है ना, ये पैटर्न हमारे कहीं ना कहीं जो भी चीज हम सीख रहे हैं अपने 5 सेंसेज, अपने माइंड, अपनी थिंकिंग, अपने मेमोरी के बेस पर, कि जो चीज हमारे मेमोरी में स्टोरेज है उन 5 सेंसेज के थ्रू, अपनी थिंकिंग के थ्रू, उसी के माध्यम से हम एक पैटर्न डिसाइड करते हैं और इसी पैटर्न के माध्यम से चीजों को हम समझते हैं। एंड इसके बाद अगला बात करते हैं 12 नंबर का, जो आपका डोमेन है वो है ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ह्यूमन इंटेलिजेंस की सबसे पहले बात करें तो ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है कि मनुष्य किसी चीज को, किसी इंफॉर्मेशन को कैसे लेता है, कैसे समझता है, कैसे परसीव करता है, कैसे उस चीज के बारे में जो है अपनी बात रखता है, अपना रिसर्च रखता है, चीजों को समझता है, लोगों की लाइफ में हेल्प कर पाता है, ये सारा कुछ एस्पेक्ट आता है क्या ह्यूमन इंटेलिजेंस के अंतर्गत। एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस ने ही कुछ चीजें डेवलप किया हुआ है जो कि आगे चल करके बनती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि ह्यूमंस द्वारा डेवलप की गई ही ये एक ऐसी आर्टिफिशियल है जहां पर जो चीजें ह्यूमंस नहीं कर सकते हैं, या जिन जो काम करने में ह्यूमंस को प्रॉब्लम होंगी वो काम किया जाएगा किसके द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। साइकोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा काम स्टार्ट हो चुका है, ऐसे ऐसे ऐप्स आ चुके हैं जिनके माध्यम से लोगों जो है साइकोलॉजिस्ट को अपने रिसर्च में बहुत हेल्प मिलती है। किसी व्यक्ति के बिहेवियर को समझना है, फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन को ही नापना हो गया कि व्यक्ति डिप्रेशन में है या नहीं है, इस चीज को समझने के लिए व्यक्ति के फोन में एक ऐप आता है, उस ऐप को आप डालोगे, उस ऐप के फोन में इंस्टॉल होने के बाद जब आप कॉल पर बात करोगे तो आपके बातों को सुन करके ही वो ऐप बता देगा कि आप डिप्रेशन में हो या नहीं हो। तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ चुके हैं, बहुत सारी चीजें आर्टिफिशियल रूप से तैयार की जा चुकी हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट को अलग अलग तरीके से उनके रिसर्च में, उनके काम में, उनके वर्क में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ये 12 डोमेन्स थे जिनके डोमेन्स के बारे में आई होप हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। एंड आपके कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, अगर इसके बावजूद भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज मैंने बीच बीच में आपको चीजें इमेजेस दिखाई हुई। तो ये है डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये हमारा 3rd लेक्चर था आपके पेपर 1 पर। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो, इसी के बाद आगे की चीजें जो आपके कॉग्निटिव साइकोलॉजी में चीजें हम धीरे धीरे जो है डिस्कस करते रहेंगे, एक एक लेक्चर में 4th लेक्चर में हम आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।